हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस व्लॉग में मैं रोहतांग पास जा रहा हूँ, साथ में आपको भी लेकर जाऊँगा। रोहतांग पास के साथ दशौर लेक है, वहाँ पर भी मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ। मनाली में सबसे हाईएस्ट लेक है और काफ़ी सुंदर लेक है। अभी मैं पहुँचा हूँ गुलाबा से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर रुके हैं क्योंकि यहाँ से व्यू अल्टीमेट है। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ी हुई है। मौसम काफ़ी अच्छा है, ट्रैकिंग के लिए अच्छा दिन है, तो चलिए चलते लेकर चलते आपको दशौर। अभी मैं पहुंचा हूँ रोहतांग टॉप पे और टॉप पर पूरे में फॉग ही फॉग है। यहाँ से आगे को मेन हमारा आज का ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक 2 से 3 घंटे का है। बाहर हवा काफ़ी तेज़ है इसलिए मैं अंदर आकर आपको बता रहा हूँ। चलिए चलते लेकर चलते आपको दशौर। ब्लॉग यहीं का था दशौर लेक का, लेकिन धुंध की वजह से हम लेक को नहीं ढूंढ पाए थे और आज भी सेम वैसा ही मौसम था। लेकिन बीच बीच में मौसम साफ़ हो रहा था और हमने थोड़ी गाइडेंस भी ली थी। कोई आज ऐसा भी नहीं है कि पहले आया हो, आज भी वही लोग हैं जो पहली बार आया है। तो अब निशान मिल चुके हैं तो झील भी मिल जाएगी। आधे घंटे की हाइकिंग हो चुकी है और अभी मैं इस ग्लेशियर के पास पहुँचा हूँ। ये रानी नाला ग्लेशियर है जो पूरे 12 महीने कुछ इस तरह से ही दिखता है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ को जाना है, ये जो पहाड़ की रेंज है इसको क्रॉस करना है। तो यहाँ से अब कंटिन्यू चढ़ाई स्टार्ट होती है। 1 घंटा इस चढ़ाई को चढ़ने में लगेगा, फिर उसके बाद एक ढलान क्रॉस करनी है, फिर लेक तक पहुँच जाएंगे। एक घंटे की हाइकिंग के बाद मैं इस जगह पर पहुंचा हूं और यहां पर मुझे निशान भी मिल गया है। पूरे में धुंध छाई हुई है तो रास्ते का कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। सीधा नाले की तरफ से मैं ऊपर की तरफ को चढ़ रहा हूं और यहां पर मुझे निशान मिल गए, तो मैं अभी तक तो ठीक जा रहा हूं। और यहीं से ऊपर की तरफ भी मुझे निशान दिख रहा है तो मैं उसी को ही फॉलो करता हुआ सीधा ऊपर की तरफ जाऊँगा।
फाइनली मैं इस टॉप पर पहुंच चुका हूं। टॉप का नाम क्या है ये तो मुझे पता नहीं, शायद अननेम ही है। यहां पर पूरे में गांव वालों ने निशान बनाए हुए हैं, तो ये शो करता है कि अब हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। और यहां पर नेट भी था तो हमने गूगल मैप से भी सर्च करके देख लिया, और इस तरफ को एक रास्ता भी हमें मिल चुका है। तो अब हम सीधा इस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अभी मैं रोहतांग से भी ज़्यादा हाइट पे हूँ, लगभग 4200 से 4300 मीटर की हाइट पे मैं अभी पहुँचा हूँ। अब यहाँ से कम आधा घंटा और लग जाएगा, फिर मैं लेक के पास पहुँच जाऊँगा। और सबसे सुंदर लेक अगर मैं कहूँ मुझे लगती है तो दशौर लेक लगती है, जो सिर्फ मैंने अभी तक फ़ोटो में देखी थी, और आज आँखों से देखूँगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैं झील के पास पहुँच चुका हूँ, अभी मैं आपको झील का फर्स्ट व्यू दिखाता हूँ। देखिए इस तरफ को काफ़ी सुंदर झील है। यहाँ से पीछे की तरफ को जो वाटरफॉल जा रहे हैं लोल की तरफ को निकलते हैं, और इस तरफ को नीचे की तरफ को जो है वो मनाली की तरफ को निकलते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी जगह है कसम से। आप जब भी ट्रैकिंग कर रहे हो और कुछ इस तरह का ट्रैक आए तो कदम बिल्कुल ध्यान से रखें, क्योंकि ये पत्थर काफ़ी नुकीले होते हैं जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, और काफ़ी स्लिपरी भी होते हैं। तो पैर को जमा कर रखें तभी आगे बढ़ें। काफ़ी बड़ी लेक है, ब्रिगू और रानी सुई के मुकाबले बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। और परे की तरफ को ग्लेशियर अभी भी इसमें बचा हुआ है, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ से एक तरफ को लाहौल वैली है, जो ये वाले पहाड़े लाहौल वैली में है, और यहीं से नीचे की तरफ को मनाली वैली है। लेकिन इस तरफ को अभी भी धुंध छाई हुई है, पूरा क्लियर दिख नहीं रहा। पवित्र स्थानों पर हम कभी भी जाते हैं तो साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। ये मनाली की एक ऐसी लेक है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, और अनटच लेक बोल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी गंदगी बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पास में ही लोग नहाए हुए और अंडरवेयर यहीं पर फेंके हुए हैं, कुछ बियर की बोतलें हैं। तो ऐसी जगह पर ये हरकतें बिल्कुल ना करें। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ देवी देवता तपस्या में लीन हुआ करते थे, और हमारे लिए धरोहर से कम नहीं है। तो आप भी कोशिश करें अगर आप ऐसे स्थानों पर जाते हो तो सफाई का विशेष ध्यान रखें, बाकी लोगों की तरह गंदगी ना फैलाएं। पिछली बार हम दोनों साथ आए थे और रास्ता भी भटक गए थे, ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद हम दूसरी तरफ को निकल गए थे। लेकिन इस बार हमने
झील ढूंढ ही ली। तो अब डुक्कू से पूछते हैं कि झील ढूंढने के बाद इन्हें कैसा लग रहा है। पिछली बार भी हम लोग यहाँ पे आए थे, बट लास्ट ईयर भी हम लोग इस लेक की तलाश में आए थे, परंतु हमें ये लेक मिल नहीं पाई थी। इस बार हमें बहुत मुश्किल के बाद, खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद 2 घंटे, आखिरकार ये सुंदर लेक हमारे को मिल गई। बाकी इस लेक आप देख सकते हो कितने अच्छी लेक है, अनटच है पूरी। कोशिश करेंगे कि हम भी यहाँ पर बिल्कुल गंदगी ना फैलाएं। वैसे हम कुछ एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर लेकर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ देवी देवताओं के नियम होते हैं जो पहाड़ों में जाकर हमें मानने होते हैं। तो हम भी अपने देवी देवताओं की पूरी रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे और दूर से इस जगह का मज़ा लेंगे। तो आप भी मज़ा लीजिए सिनेमैटिक शॉट्स का। आज के इस ट्रैक में कुछ नए लोगों के साथ मैं आया हूँ। मेरे साथ आज सचिन है और अंश भाई साथ आए, रवि भाई है। ब्यास कुंड के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था, थोड़ी सी चढ़ाई थी, बाकी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था। थोड़ा सा फॉग वगैरह था, बट रास्ते की दिक्कत थोड़ी बहुत थी, बट उसके बाद हमें रास्ता मिलता गया, फिर एट लास्ट में यहाँ पहुँच गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ अपने दोस्तों के साथ। जगह को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो यहां तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस प्यारी सी लोकेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।